स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड टू। हमने लास्ट सेशन में आपका जो सिक्स्थ पोएम है बहुत हुआ वो पोएम भी पढ़ी थी और एक्सरसाइज भी डिस्कस की थी। आज इस पोएम की एक्सरसाइज छूट चुकी है, उसके बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से थी वो हमें एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है। एक चित्र कई काम, कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है, यानी कि देखो ये जो पिक्चर है पोयम का उसमें बच्चे हैं वो क्या काम करते हैं वो हमें लिखना है। चित्र आप देख सकते हो। देखो अब फर्स्ट एक बच्चा चित्र बना रहा है, तो देखो यहाँ जो ये बच्चा है वो चित्र बना सॉरी ये जो बच्चा है वो चित्र बना रहा है वो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसी तरह हमें ये एक्सरसाइज है उसमें ही ऐसे करना है कि जो दूसरे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो देखो है दूसरा बच्चा, तो दूसरा बच्चा क्या कर रहा था, छाता पकड़ रहा है। तो यहाँ आएगा दूसरा बच्चा छाता पकड़ रहा है। फिर है बिल्ली, बिल्ली खिड़की में बैठ रही है, बिल्ली खिड़की में बैठ रही है। फिर है आदमी, तो क्या आएगा, आदमी छाता पकड़कर बारिश में चल रहा है। आदमी छाता पकड़कर बारिश में चल रहा है। एक बच्ची टब में नाव चला रही है, एक बच्ची टब में नाव चला रही है। फिर है कुत्ता, शरीर पर लगा पानी झाड़ रहा है। कुत्ता शरीर पर लगा पानी झाड़ रहा है। तो यहाँ ये एक्सरसाइज है वो हमारी कंप्लीट होती है। तुमने देखा कि चित्र में कोई काम कर रहा है। इन वाक्यों में जो शब्द है किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो, इन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। तो देखो यहाँ हमें कौन से शब्द में रेखा खींचेंगे, तो चलो यहाँ हम लिखेंगे कि खिड़की में बैठ, तो बैठ के नीचे हम रेखा खींचेंगे। छाता पकड़कर बारिश में चल, तो वहाँ हम रेखा खींचेंगे, यानी कि पकड़कर और चल वो दो है काम वाले शब्द है। फिर टब में नाव चला, चला है वो काम वाले शब्द है। फिर है लास्ट में शरीर पर लगा पानी झाड़, झाड़ है उसके नीचे हम ऐसे रेखा खींचेंगे। तो ये हुए काम वाले शब्द। जब हम ये एक्सरसाइज आप वर्कशीट में लिखोगे तब आप इसको पता चल जाएगा कि मैंने जो शब्द बोले हैं उसमें हमें रेखा खींचनी है। तो देखो यहाँ ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। आगे है इस चैप्टर में एक गाना है और एक पोयम जैसा भी है। पहला है काले मेघा पानी दे, पहला है काले मेघा पानी दे, तो देखते हैं क्या है। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, क्या कहते हैं ये जो गांव, ये देखो ये बच्चे हैं, ये विलेजर्स हैं, वो सब इसको प्रे करते हैं बारिश को और जो उसके गॉड होते हैं उसको, कि पानी काले मेघा अब क्या पानी बरसा दे, यानी कि बारिश ला और गुड़ दानी दे, यानी कि बारिश होगी तो फसल है वो अच्छी होगी। बरसो खूब जमा जम जम, नाचे मोर छमा छम छम, क्या हुआ कि जब बारिश आएगी तो मोर है वो भी नाचेंगे, बाग सारे बहुत ही खुश होंगे। खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक,
धरती को रंग धानी दे, काले मेघा पानी दे। फिर क्या हुआ कि सिर्फ बच्चे और पशु पंखी ही नहीं, उसके अलावा जो पर्वत है, जो मैदान है, वो सूखे हैं, वो भी खुश हो गए। धरती को रंग धानी दे यानी कि ये जो लैंड है उसको ग्रीन करो, उसको ग्रीनरी दो। काले मेघा पानी दे यानी कि अब बारिश दे दो। भर दे सारे ताल तलैया, गाये सब मिल चमक छैया, यानी कि जो सारे तालाब है उसको भर दो, इतनी सारी बारिश करो कि सारे तालाब है वो अब है वो पानी से भर जाए और सब ऐसे झूम के नाचे। हमको कोई नहीं कहानी दे, सबको दाना पानी दे। हमको है वो नई कहानी दे यानी कि ये सारे लोग बारिश न होने की वजह से बहुत ही दुखी है, इसलिए हम ऐसे प्रे कर रहे हैं कि आप हमें अब पानी दो। पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे। पानी दो और हमें नई जिंदगी दो, क्योंकि वाटर इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। पानी के बिना हमारी फसल नहीं हो सकती, कृषि अच्छी नहीं हो सकती। यदि कृषि अच्छी नहीं होगी तो फसल पैदा नहीं होगी, फसल नहीं तो हम खाएंगे क्या, कैसे हमारा गुजरान चलेगा। तो इसके बारे में है कि हमें पानी दो। अब है दूसरा, सावन का गीत। पहला था काले मेघा पानी दे, अब है सावन का गीत। क्या है? सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार, उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई न जिसका पारावार। एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में एकदम अंतरिक्ष के पार। सावन का गीत पहली दो लाइन, सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए सारा संसार, यानी कि क्या कहते हैं, देखो इसमें भी ये दो बच्चे हैं और विलेजर से वो आगे क्या कहते हैं कि इतना पानी दे कि बारिश इतनी कर कि उसमें सारा संसार समा जाए, यानी कि सारी सृष्टि है वो सबको पानी मिले, कोई दुखी ना हो। उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, और ये जो रस्सी है वो कहाँ तक है? आसमान के पार यानी कि एकदम ऊपर है। देखो इस पिक्चर में हम देखते हैं कि बाद में जब ये बारिश होती है तो कैसे सब है, बहुत ही खुश है देखो ये बच्चे। लेकिन यहाँ देखो कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो बारिश में फंस गए हैं। जो फैली है आसमान से पार, उस रस्सी का कोई ना जिसका पारावार, यानी कि कौन, यदि बारिश हो तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है, उसको रोक भी कोई सकता नहीं, तो क्या होगा? एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के द्वार। तो क्या कहा कि ये जब बारिश होती है तो कई सारे इतने खुश होते हैं और अंतरिक्ष के पार, यानी यही इसका मतलब है कि कुछ लोग ऐसे दुखी होते हैं कि बात ही मत करो। देखो यहाँ जो है ये औरत है, ये आदमी है, ये कार देखो कैसे फंस चुकी है। बारिश इतनी हुई कि पानी है वो बिल्कुल बहा ही जा रहा है, जिसका कोई सैलाब है उसका, या कोई नदी का सैलाब हो सकता है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए देखो सावन हो आने की वजह से ये बच्चे तो सारे बहुत ही खुश हैं, खेलते हैं, लेकिन ये देखो कई सारे दुखी है। तो ये था सावन का गीत। पहला जो हमने देखा काले मेघा पानी दे, उसमें विलेजर्स थे वो बहुत ही दुखी थे, गांव के लोग, कि पानी नहीं है, फसल नहीं है,
पशु पंखी को अच्छा नहीं लगता, पर्वत है वो बिल्कुल ठीक सूख गए हैं, नदियाँ है उसमें भी पानी नहीं है। तो उसमें वो प्रे करते थे कि गॉड से कि पानी दे दो। लेकिन दूसरे गीत में क्या हुआ कि पानी इतना आया, सावन बारिश इतनी हुई कि जो सारे लोग हैं वो कई सारे लोग फंस गए। तो ये था सावन का गीत और काले में का पानी दे। तो देखो ये दो, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर है सिक्स वो कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, फिर आप इसको वर्कशीट में लिख सकते हो। नेक्स्ट सेशन में हम सेवन्थ चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।